बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएस थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें उसमें हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज कम्युनिकेशन। इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे कम्युनिकेशन का कि कम्युनिकेशन होती क्या है और कम्युनिकेशन में कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं, और सेकंड थिंग डिफरेंट ऑथर्स ने या डिफरेंट राइटर्स ने इस कम्युनिकेशन के बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट इंट्रोडक्टरी सेक्शन। स्लाइड आप लोगों के पास शो हो रही होगी वीडियो में, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। नंबर वन हेडिंग इज व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज एज ओल्ड एज ह्यूमन सिविलाइजेशन। द कॉमन नीड फॉर प्रोटेक्शन लीड टू ग्रुप लाइफ। अब इस छोटी सी इन टू लाइन्स में बहुत बड़ी बात कर दी गई है कि कम्युनिकेशन हमारी इतनी ही पुरानी है जितनी कि हमारी इंसानों की सिविलाइजेशन है। देखें, जैसे ही इंसान ने इस दुनिया में कदम रखे, हजरत आदम ने इस्लाम से हम लोग बात स्टार्ट करते हैं, तो स्टार्ट में लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट नहीं था। कम्युनिकेशन करने के लिए लैंग्वेज नहीं होती थी, वर्ड्स नहीं होते थे। तो क्या होता था कि साइंस यूज किए जाते थे, डिफरेंट सिंबल्स यूज किए जाते थे, डिफरेंट डायग्राम्स यूज की जाती थी। उसके बाद विद द पैसिव टाइम जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट आती चली गई, डेवलपमेंट आती चली गई, तो इंसान ने रोमन से जो अल्फाबेट्स थे, जो हमारे लेटर्स थे, वो जो है उसको लर्न किया, और उन वर्ड्स को उन लेटर्स को लर्न करने के बाद वो सेंटेंसेस की फॉर्म में आई और उन्होंने अपनी जो है लैंग्वेज डेवलप करना शुरू कर दी। तो लैंग्वेज जब डेवलप हो जाती है तो वहां पर हमें ग्रुप की लाइफ में, पहले जो लोग थे वो सेपरेट सेपरेट जंगलों में वादियों में रहते होते थे, लेकिन उन जंगलों में जंगली जानवर भी होते थे, तो वहां पर उन्होंने अपने सर्वाइव करने के लिए उन्होंने कम्युनिटीज की शक्ल में, ग्रुप की शक्ल में रहना शुरू कर दिया। तो जब लोग ग्रुप की फॉर्म में रहेंगे तो जाहिर है उन्हें उन्होंने आपस में कम्युनिकेट भी करना है, बातचीत भी करनी है। तो कम्युनिकेशन हमारी उतनी ही पुरानी है जितने की हमारी सिविलाइजेशन है। एज ग्रुप लाइफ डेवलप्ड, फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन आल्सो डेवलप्ड। कम्युनिकेशन वाज इन द फॉर्म ऑफ कोड्स, इंडिकेशंस, सिग्नल्स एंड एक्सप्रेशंस। तो स्टार्ट में जो हमारी कम्युनिकेशन होती थी वो कोड्स की फॉर्म में होती थी। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी को ग्लास की जरूरत है तो वो उसके लिए, उसको उसका नेम प्रनाउंस नहीं करना होता, तो वो उसका साइन बना देते होते थे, उसकी शेप बना देते होते थे। इसी तरह से हम लोग कम्युनिकेशन में डिफरेंट एक्सप्रेशंस भी यूज कर रहे होते हैं, डिफरेंट सिग्नल्स भी यूज कर रहे होते हैं। ग्रेजुअली एज द पॉपुलेशन इंक्रीज, द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, एक्सचेंज इकोनॉमी एंड चेंजेस एक्सेट्रा आल्सो चेंज। जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होती चली गई तो डिफरेंट जो है हमारे पास उसके अंदर चेंजिंग आती चली गई, डेवलपमेंट आती चली गई। इट ऑल्सो डिमांडेड द डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। इन द प्रेजेंट डे वर्ल्ड कम्युनिकेशन इज वाइटल नीड ऑफ एवरी स्टेप इन एनी सोशल, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल एक्टिविटी। सो आजकल के जो हमारा प्रेजेंट टाइम है, यहाँ पर हमें अपनी सोशल लाइफ को डील करने के लिए, अपनी इंडस्ट्रियल लाइफ को डील करने के लिए, या हमारी कमर्शियल एक्टिविटीज को डील करने के लिए हमें कम्युनिकेशन करनी पड़ती है, दूसरों तक अपना मैसेज कन्वे करना पड़ता है, उन्हें अपनी बात समझाने के लिए। यहाँ पर एटिमोलॉजी ऑफ वर्ड कम्युनिकेशन, जो वर्ड है हमारे पास कम्युनिकेशन, उसकी एटिमोलॉजी बताई गई है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी मीन्स द रूट ऑफ एनी वर्ड, द हिस्ट्री ऑफ एनी वर्ड। इसमें ये देखा जाता है कि उस वर्ड की रूट क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, या वर्ड वर्ड जो है वो कहाँ से ड्राइव किया गया है। इधर इट इज अ लैटिन वर्ड, रोमन वर्ड, ग्रीक वर्ड, जो भी उसकी हिस्ट्री है वो हम उसमें देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि द वर्ड कम्युनिकेशन, इसकी एटिमोलॉजी क्या है। द इंग्लिश वर्ड कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड कम्युनिस व्हिच मींस कॉमन। द टर्म कम्युनिकेशन रेफर्स टू द शेयरिंग ऑफ आइडियाज इन कॉमन। इन अदर वर्ड्स इट इज ट्रांसमिशन एंड इंटरेक्शन ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज एंड ओपिनियंस। तो यहाँ पे बहुत इजी वर्डिंग में बताया गया है कि हमारे पास जो कम्युनिकेशन है, ये जो वर्ड है ये ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड से जो कि कम्युनिस था, जिसका मतलब था कॉमन, मीन्स कॉमनली यूज की जाने वाली कुछ ऐसी चीज, कोई ऐसी लैंग्वेज जिसके जरिए से हम अपने आइडियाज, हम अपने कॉन्सेप्ट्स को ट्रांसफर कर सके, कन्वे कर सके। तो कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिटवीन द सेंडर एंड रिसीवर। द बेसिक फंक्शन ऑफ लैंग्वेज कैन नॉट बी परफॉर्म्ड वेल विदाउट इफेक्टिव कम्युनिकेशन।
अब देखिए कम्युनिकेशन किन के दरमियान होती है, सेंडर और रिसीवर के दरमियान में कम्युनिकेशन हो रही होती है। जब कम्युनिकेशन हो रही होती है तो यहाँ पर हमारी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होनी चाहिए। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब यह है कि सेंडर जो मैसेज कन्वे करना चाह रहा है रिसीवर तक, वो एक प्रॉपर वे में कन्वे भी हो जाए और रिसीवर उसकी मीनिंग भी अंडरस्टैंड कर सके। अब नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ड कम्युनिकेशन। जो जो वर्ड हमने यूज किया कम्युनिकेशन का, इसके मीनिंग क्या है। इन शॉर्ट, कम्युनिकेशन इज अ प्रोसेस ऑफ पासिंग आइडियाज, व्यूज, फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने आइडियाज को कन्वे कर रहे होते हैं, पास कर रहे होते हैं, ट्रांसफर कर रहे होते हैं, अपने व्यूज को, फैक्ट्स को, इंफॉर्मेशन को एंड अंडरस्टैंडिंग को दूसरे लोगों के साथ। दिस प्रोसेस इज नेसेसरी फॉर मेकिंग द सेंडर अंडरस्टैंड व्हाट द रिसीवर एक्सपेक्ट्स फ्रॉम हिम। तो ये प्रोसेस बहुत जरूरी होता है। जब तक रिसीवर उसकी बात अंडरस्टैंड नहीं कर सकता तो हमारी कम्युनिकेशन जो है वो इफेक्टिव नहीं हो सकती। कम्युनिकेशन कैन नॉट टेक प्लेस विदाउट टू पार्टीज, रिसीवर एंड द सेंडर। सेंडर और रिसीवर जो है ये हमारे पास टू पार्टीज होती हैं, इनके बगैर हम कम्युनिकेशन कर ही नहीं सकते। कभी आप लोगों ने नहीं देखा होगा कि एक सिंगल पर्सन जो है वो रूम में बैठा हुआ खुद खुद से बातें किया जा रहा है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इसी तरह से जब एक टीचर एक लेक्चर डिलीवर कर रहा होता है ना, उसके स्टूडेंट्स का वहां पर मौजूद होना जरूरी है। तो टीचर जो होगा वो सेंडर होगा और जो उसके स्टूडेंट्स होंगे वो उसके रिसीवर्स होंगे। द इन्फॉर्मेशन विच इज सेंड बाय द सेंडर मस्ट बी अंडरस्टैंडेबल टू द रिसीवर। जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है वो रिसीवर के लिए अंडरस्टैंडेबल हो। सेंडर को चाहिए कि लैंग्वेज ऐसे यूज करे, वे ऑफ एक्सप्रेशन इस तरह के यूज करे कि जो उसका रिसीवर है वो उसकी बात को इजीली अंडरस्टैंड कर सके। वहां ऊपर हमने जो डेफिनेशंस देखी है वो एक ओवरव्यू दिया गया था, और नीचे जो हम अब डेफिनेशंस देखने जा रहे हैं डिफरेंट ऑथर्स के, डिफरेंट राइटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू हमें बताई गई है। कम्युनिकेशन में भी डिफाइंड एज अ ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। सेम थिंग, जब हमारे पास कम्युनिकेशन आती है उसका मतलब होता है हम अपनी इंफॉर्मेशन को, अपनी आइडियाज को ट्रांसफर कर रहे होते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑर्नज एंड ऑर्डनल, कम्युनिकेशन मे बी अंडरस्टूड एज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एट लीस्ट बिटवीन टू पर्सन विद अ व्यू टू क्रिएट एन अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ द अदर, वेदर और नॉट इट गिव्स राइज टू कंफ्लिक्ट। तो कम्युनिकेशन का मकसद होता है इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना, आइडियाज को कन्वे करना, और इसमें हमारे पास समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट भी आ जाते हैं और समटाइम्स कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते। कॉन्फ्लिक्ट कब होते हैं कि जब सेंडर जो है वो अपनी बात को एक बेटर वे में कन्वे नहीं कर सकता। सेकंड डेफिनेशन हमें दी गई है कि न्यूमैन एंड समर, कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियन और इमोशंस बाय टू और मोर पर्सन। किसमें अपने इमोशंस को, आइडियाज को, फैक्ट्स को दो या दो से ज्यादा लोगों तक शेयर कर रहे होते हैं, ट्रांसफर कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमें वेबस्टर डिक्शनरी की जो डेफिनेशन है वो दी गई है, हम उसको देखते हैं। सेंडिंग, गिविंग और एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन एंड आइडियाज इज डिफाइंड बाय वेबस्टर्स डिक्शनरी। कम्युनिकेशन इज द सम ऑफ ऑल थिंग्स अ पर्सन डज व्हेन ही वांट्स टू क्रिएट एन अंडरस्टैंडिंग इन द माइंड ऑफ एन अदर। कम्युनिकेशन वो होती है जिसमें एक जो सेंडर है, जो स्पीकर है, वो तमाम वो एस्पेक्ट्स को देखता है जो कि जरूरी होते हैं जब वो अपनी कम्युनिकेशन कर रहा होता है, अपने मैसेज कन्वे कर रहा होता है। लोइस ए एलन, अब यहाँ पर लोइस ए एलन की डेफिनेशन बयान की गई है, उसको हम देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। तो लोइस एलन, इट इज द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम वन पर्सन टू एन अदर। यहाँ पर हम एक प्रोसेस कर रहे होते हैं जिसमें इंफॉर्मेशन जो है वो पास आउट हो रही होती है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। इट इज एसेंशियली अ ब्रिज ऑफ मेकिंग बिटवीन पीपल। कम्युनिकेशन के जरिए से बेसिकली हम लोगों के दरमियान में एक कनेक्शन बिल्ड कर रहे होते हैं, एक रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे होते हैं, और उस रिलेशनशिप को ब्रिज का नाम दिया जाता है। जिस तरह से हमारे पास दो डिफरेंट आप कह लेंगे लेक्स होती है, उनके दरमियान में हम एक ब्रिज कायम करते हैं, तो इसी तरह से कम्युनिकेशन जो है वो डिफरेंट लोगों के दरमियान में एक ब्रिज कायम करने का रोल अदा करती है। बाय यूजिंग द ब्रिज ऑफ मीनिंग अ पर्सन कैन सेफली क्रॉस द रिवर ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग दैट सेपरेट्स ऑल द पीपल। अब जब हम लोग ये ब्रिज क्रिएट हो जाता है तो इसका मतलब है कि जो भी लोगों के दौरान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने वाली होती है हम उसको खत्म कर देते हैं, उस लेवल से क्रॉस कर जाते हैं। सो ये आज तक की हमारी लेक्चर की रिकॉर्डिंग थी।
ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें आप लोगों को बताया गया कम्युनिकेशन होती क्या है, किनके दरमियान में होती है, और कम्युनिकेशन के अकॉर्डिंग डिफरेंट ऑथर्स ने, डिफरेंट राइटर्स ने अपने क्या पॉइंट ऑफ व्यू दिए हैं। सो देखिएगा, इसे लर्न कीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।